हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज मंडे है और आज नव्या का एग्ज़ाम नहीं था, आराध्या का एग्ज़ाम था, तो आराध्या भी स्कूल गई है। तो हमारे इधर जो मौसम है ओवरकास्ट है और मौसम पूरा एकदम अच्छा लग रहा है आज का दिन। नहीं तो डेली थोड़ा धूप निकलता था, तो अब लू वाला भी चलने लगा है हवा, तो लू निकलने लगता है, तो लेकिन आज कल से बेटर है मौसम। तो अभी दोपहर का मैं खाना नहीं बनाई हूँ, सिर्फ मैंने दाल को बनाया है और अभी चावल मैं नहीं बनाई हूँ। बच्चे अब थोड़ी देर में आ जाएंगे क्योंकि बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है, तो एक ही सिटिंग एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फिर बच्चे को खिलाया जाता है। तो फिर बच्चे अब आने वाले हैं। तो अभी मैं कल से अच्छा फील कर रही हूँ और सर्दी अब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कम हो रही है। अब लगता है कि एक दो दिन में सर्दी सही हो जाएगा। मम्मी ने तो कब पहना है पिंक कलर का डार्क पिंक? हाँ, ऐसा क्या खुश कब आता है बता मुझे। ये टॉप अच्छा लगता है? हाँ मम्मी को ये टॉप पहनने में बहुत अच्छा लगता है। और जैसा आप जानते हैं आज मेरा एग्जाम नहीं है, कल है जनरल नॉलेज और MID का, और छोटी का आज है हिंदी, है ना, उसका लास्ट है और कल है मेरा लास्ट। मम्मी मुझको ना एक स्कूल जाना, वो भी आउट ऑफ बिहार। तो इस बार ये 5th में जाएगी और मुझे समय से बहुत दिन से ये तंग कर रही है, करीब 1 महीना हो रहा है लगभग, कि मम्मा अब मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। तो नव्या का कहना है, लेकिन मम्मी को भेजने का मन नहीं है। और ये कहती है कि मम्मा मुझे कम से कम नेतरहाट वाला स्कूल में डाल दो, जो कि पहले बिहार में पढ़ता था 2000 से, तो 1000 में बिहार और झारखंड का जब बंटवारा हुआ, तो ये 15 नवंबर को मेरे बर्थडे के दिन। हाँ तो ये 15 नवंबर को ये छुट्टी आ गई। मेरी अद्भुत बेटी आ गई। ये बोल रहे हैं कि अभी मैंने पूरे 5 नंबर का लिखा, 65 नंबर कहाँ से आएगा। मैंने 5 नंबर का लिखा, दूसरे ने तीसरा वाला बताया, फिर मैंने पूछा सेकंड वाला, फिर वो उसने बता दिया। किसने चीटिंग करके आई है? अरे मजाक के लिए ओरल है था मेरा। ओरल है ना तो। और मैंने है ना 10 नंबर का पूरा लिखा ड्राइंग में। अब ओरल के जगह तो रिटन की बस आ गए ड्राइंग में, क्योंकि पता है दोनों साथ होता है, क्योंकि दोनों एक साथ हुआ था, क्योंकि मैंने जल्दी से आज हिंदी और वाला है इसका। आइए मैडम, आइए बेटा जी, आइए। ये अपना सारा सामान व्यवस्थित करके रखी है, अभी शूज खोली है, बेल्ट को टांग देगी। मैं भी ऐसा कर रही हूं कि हम भी स्कूल से आ गए। ए ना गाइस, ये जब स्कूल से आती है सॉक्स इधर, जूता उधर, बेल्ट फेंका हुआ पूरा। कढ़ाई को धोया नहीं था, बाकी सारी बर्तन को मैंने धो लिया था। तो इसने क्या किया, आराध्या ने कढ़ाई धो दिया। हाँ, मम्मा का कढ़ाई जूठा है और एक दो बर्तन थे भुजे वाले, उसको भी इसने धो डाले और कढ़ाई को भी ये धो के रख दी। तब हम बोले आराध्या को तुम किचन में क्या कर रही हो, तो बोलती है कुछ नहीं, जब मैं किचन गई तो देखी बर्तन धोया मुझे मिला। नहीं बेटा मैंने नहीं धोया। क्यों की तुम? उसके बाद कहती कि मम्मा मैंने बाथरूम को भी साफ किया। बोले पता है तुम बाथरूम गई साफ करने, नहाने वाला। हाँ, और नल को भी इसने साफ किया टैप को। तो बोले कहाँ से सीखी है, तो बोलती है तुम करती है ना, तो मैं तुम सीखती रहती, पढ़ती नहीं है, ये नौकरानी बनेगी। मैं हेल्प कम से कम करूंगी, बड़ी हो गई है तो लॉयर बनना है मेरे को। मैं DM बनूंगी, DM DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, IAS भी बोल सकती थी। ये देखो मैं पिंपल है। नेतरहाट स्कूल में 6th लेवल से ही
स्कूल में एडमिशन होता है और 12th तक पढ़ाई किया जाता है। पढ़ाई बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि वो बिहार और झारखंड का सबसे बेस्ट स्कूल है। अभी मैं एक साल यही रहूँगी यहाँ वाले स्कूल में, फिर मैं अगले साल 6th से जा सकती हूँ, है ना? हाँ, 6th से एडमिशन होगा। और इसके लिए उस स्कूल में एडमिशन के लिए तुमको बड़ा टफ मेहनत करना होगा, इसके लिए सवेरे जगना होगा। और ये जिस दिन इसका स्कूल नहीं रहता है ना, तो 9 या 10 बजे से पहले ही नहीं उठती है, लेकिन जिस दिन स्कूल रहता है उस दिन 6-7 बजे मॉर्निंग में जगती हो, लेकिन पढ़ाई नहीं। लेकिन अगर समर आ गया ना, फुल समर गर्मी, तो 6:30 को स्कूल स्टार्ट होता है हम लोग का, और मैं उठती हूँ 4:30 को या तो 5:00, है ना? तो मम्मी बोल रही है कि मुझे वो 6th स्टैंडर्ड की बुक ले आएगी और मुझे पढ़ना पड़ेगा जबरदस्ती। मम्मी मुझे बोल रही है कि तुम्हें 9th तक का पढ़ाना, मतलब पढ़ना पड़ेगा। हाँ, 9th के लेवल तक का उसमें पूछा जाता है, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ही स्टैंडर्ड रहता है, और थोड़ा सा 10th का भी आ रहा है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। तो मम्मी बोल रही है मुझे सब चीज़ पढ़ना। मम्मी बोल रही तुमको कॉलेज तक ही पढ़ा दूंगी। पहले उसका एंट्रेंस निकालेगी तब ना, वो बड़ा टफ होता है, एंट्रेंस निकालोगी तब, और नहीं तो उसके इक्विवेलेंट भी और सारे स्कूल हैं, तो उसमें भी एडमिशन हो सकता है। तैयारी करो नेत्रांत के लेवल का, और लेकिन अगर वहाँ नहीं हुआ तो मे भी दूसरे स्कूल भी हो सकता है क्या? हाँ, तो पापा मुझे ना 5th का मतलब जो फाइनल्स में आता उसका पढ़ाई कर रहे थे, मतलब करवा रहे थे कल। उस तो आराध्या तो स्कूल से आ गई है, और मैंने अभी चावल नहीं बनाया है क्योंकि मम्मी को बहुत, मम्मी बहुत लेजी है, इसीलिए थोड़ी देर के लिए काम है। अभी मैं जस्ट पोछा की हूँ, कपड़े धोई हूँ, नहाई हूँ, मम्मी के बाद फिनिश। मैंने सोचा कि ब्लॉग को बना लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग भी मेरे लिए काम है, वो भी मेरा ड्यूटी है, उसको भी बनाना। और कैसे बोलती है तो मम्मा लेजी है, बताओ। इसीलिए तो मैं लेजी हूँ, अगर मम्मी लेजी है तभी तो मैं लेजी हूँ। तुम लेजी है, मम्मा नहीं। तो मेरे को ये जीन्स किससे मिला? मनी प्लांट पीला हो जाता है उसका पत्ता, हफ्ते में 2 बार मैं धूप लगाती हूँ, फिर भी उसका पत्ता पीला हो जाता है। आप लोग बताओ कि ठीक है मम्मी, मुझे जानना चाहिए। और ये इसका देखो, इसने अभी मोबाइल से चुरा के जा रही है। गाइज, मैं मम्मी का डार्क सीक्रेट बताऊंगी आज आपको। मम्मी ऑन कैमरा बहुत दुलार करती है, बट ऑफ कैमरा बहुत डांटती है। ओवर एक्टिंग हुई, एक्टिंग की बादशाह। तो आराध्या, आपका एग्जाम आज का कैसा गया? बहुत अच्छा। चलो तो आराध्या को केक चाहिए अच्छा खाना में। हाँ, तो शाम में बना देंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। प्रॉमिस शाम में? नहीं नहीं, मेरे को अभी जाए। पिंकी प्रॉमिस? नहीं, पिंकी प्रॉमिस नहीं, शाम में बना दूंगी। मम्मी हर बार ऐसे करती, लेकिन बनाती नहीं है। मम्मी के रोटी लगने को केक चाहिए। ओके, बना दूंगी शाम में, प्रॉमिस। नहीं अभी। ओके ठीक है। तो अभी आँख बहुत मीच रहा है, अभी देख लो, बात नहीं मानी, चली ही गई। तो ये ब्लॉग को यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।